आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के शो शख्सियत में, जिसमें हर बार हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो पश्चिमी विधानसभा से अपने दावेदारी कर रहे हैं, वो है कायम रजा खान। तो आपको बता दें कि सेवा परमो धर्मा, यानी मानव जीवन में सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। समाज की सेवा करके ही मानव जन को सार्थक किया जा सकता है। अगर राजनीति की बात करें तो इसमें समाज सेवा की भावना का होना बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो माध्यम ही जिसके द्वारा हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के आम जनता की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी के साथ एक बेहतर राजनेता भी हैं, जो सेवा परमो धर्मा की भावना को हमेशा से सार्थक करते हैं। नजर डालते हैं, आइए हमारे इस कार्यक्रम के शख्सियत में, जहां शख्सियत में स्वागत करते हैं प्रसिद्ध समाज सेवी और वरिष्ठ बसपा नेता कायम रजा खां का। आने वाले सरकार हमारी माननीय बहन जी की बनने जा रही 2022 में। सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपको, हमको अपने उसमें चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी कायम जी, जिस तरीके से हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में लगातार कोई ना कोई शख्सियत से बात करते हैं, उनकी जर्नी पर बात करते हैं, आज तक का सफ़र उनका कैसा रहा, कुछ अपने पलों के बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से, हम सबसे पहले आपकी शुरुआती पल जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की पृष्ठभूमि थी आपकी, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने किस तरीके से शुरू किया। देखिए, हम गांव से राजनीति शुरू किए। 95 में हम पहला चुनाव ग्राम प्रधान कर लड़े, 3 वोटों से चुनाव हारे। उसके बाद 2000 में चुनाव लड़े तो फिर हम जीते चुनाव करीब करीब 150 वोटों से, और फिर जब से लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। और गांव में हमारा चंदिया मऊ है, बराबर में यही गोमती नगर विस्तार के आगे है, और लगातार हम BDC प्रधानी लगभग दोनों जीतते चले आ रहे हैं। और बस गांव ही से हमारी राजनीति शुरू हुई, और गांव के लोगों की जो परेशानी हालात देख के हम राजनीति में आए कि हम किसी तरह किसी का भला कर सकें अपने लोग। जी कायम जी, जिस तरीके से समाज सेवा, क्योंकि हमेशा हर कोई समाज सेवा में ऐसे ही नहीं आता, कोई ना कोई ऐसा वाक्या, कोई ना कोई ऐसा हादसा रहा होता है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम ये वाला बीड़ा उठाएं। तो क्या ऐसी कोई घटना रही आपके उसमें जीवन में, जिस वजह से आपने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, मुझे इस तरीके की समाज सेवा करनी चाहिए, इस तरीके से लोगों का साथ देना चाहिए? नहीं, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो हालात हमने बताया ना कि गांव में हालात इतने थे कि रोजी रोजगार कोई था ही नहीं, तो खेती किसानी लोगों की थी और उसमें पूरा नहीं हो पाता था। तो हमने जो है सोचा कि हम किसी तरह मदद अगर कर सकते हैं, तो जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हम अपने गरीब भाइयों का कोई मदद कर नहीं सकते। और हमारा जो है 7 गाँव में, समझ लिए अकेला घर है मुस्लिम का, 7 गाँव टोटल हिंदू बिरादरी के लोग हैं, और पूरा हमारा सहयोग करते हैं, और 300, 350, 250 वोटों से चुनाव बराबर हमको जिताते चले आ रहे लगातार। सीट कोई भी हो, कैंडिडेट हम कोई भी खड़ा करते हैं, वो हमारा ही समर्थन लोग करते हैं। तो हम जीवन हमारा, हम चाहते हैं कि हमारा इसी में गुजरे, कि लोगों को हम लाभ देते रहें, जो परेशान हो रहे हैं हर हालत में हम मदद करते रहें। जी, बाकी आप एक वरिष्ठ बसपा नेता हैं, और वरिष्ठ बसपा नेता के साथ एक समाज सेवी भी हैं, तो उसमें किस तरीके से आप सामंजस्य बिठाते हैं ताकि आपके राजनीतिक सफ़र में भी कोई बाधा ना पड़े और समाज सेवा में भी कोई बाधा ना पड़े? दोनों काम आप बखूबी किस तरीके से निभाते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं?
देखिए, वारिस नेता तो हम नहीं है, एक छोटे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में है, और बहन जी का हमें आशीर्वाद मिला और बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि 2022 में विधायकी का चुनाव का टिकट मैंने बहन जी ने हमें दिया, आशीर्वाद दिया, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हम विधायक बन के आएंगे तो हम सेवा लोगों की करते रहेंगे, सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। और बाकी अभी जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव एकदम सर पर है और उसमें कई बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे मौजूद हैं, उसमें आप किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को आप देखते हैं, कि किस लेवल पर देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बाकी उम्मीदवारों पर खरा उतर पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडर की पार्टी है और कैडर जो है हम लोग का ज़मीन में काम करता है, हल्ला हंगामा करता नहीं कि इधर बवाल करे उधर, हम लोग चुपचाप अपना काम करते हैं, कैडर की पार्टी है, कैडर अपना काम करता है, घर घर जाके लोगों से मिलता जुलता है। और हमारे सामने तो अभी कोई प्रत्याशी कोई पार्टी उतारी ही नहीं पाई है, तो हम किसको बताएं। तो अभी तो हमारी देखिए 2022 में माननीय कुमारी बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। और एक जनसल राव जो है, आप ज़मीन पे उतर के देखें तो बिल्कुल बहन जी के साथ है जी। तो बाकी ये है कि हर पार्टी का अपना कोई ना कोई एक एजेंडा रहता है, कि कोई ना कोई एजेंडा और एक मेन मुद्दा कोई लेके वो पार्टी और जनता के बीच में जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कौन सा मुख्य एजेंडा रहेगा जिसकी जिसको लेकर वो जनता के बीच उतरेंगे? देखिए, सारे एजेंडे तो हमारे 2007 से 12 तक की पिछली जो चार बार माननीय मुख्यमंत्री बहन जी बनी, तो सारे विकास कार्य जो देखे हैं और जो काम किए हैं, कितनी नौकरियां दी, कितने स्कूल बनाए, कितने हर हर बिरादरी के लिए सब कुछ किया। और काशी माननीय काशीराम में देखिए आवास दिए, लाखों आवास दिए, जो जो घर जिनके पास नहीं था उनको घर दिया। तो हम लोग तो विकास वाली पार्टी है, विकास हमारी माननीय बहन जी करती है, हम उसी को बेस मान के चुनाव लड़ रहे हैं और फील्ड में हमें उसका जो है रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जी। तो बाकी ये है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसकी जो बसपा की जो विचारधारा है उस पर आपकी क्या राय रहेगी? हमारी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी पार्टी, आज जो उत्तर प्रदेश या पूरे इंडिया में जो पार्टियां हैं सबसे अच्छी विचारधारा वाली अगर पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की पार्टी, सबको लेके चलती है, किसी उनके पास में कोई मतभेद नहीं है कि कोई ये बिरादरी कोई जातिवाद वाली बहन जी राजनीति करती ही नहीं है और सारे समाज को लेके चलती हैं बहन जी। जी बाकी कायम जी, जिस तरीके से अभी क्योंकि 2022 का चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, अभी हाल ही में क्योंकि सभी पार्टी अपने अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है और उस दावेदारी को मजबूत करने के लिए तमाम उन्होंने प्रचार प्रसार खोल रखे हैं, बसपा का, भाजपा का और सपा का एक बहुत प्रचंड एक हायर लेवल पर उनका जो प्रचार प्रसार चल रहा है। पर वहीं जब हम बसपा की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो वो बड़ा एक शांत प्रचार कर रही है। तो एक शांत प्रचार का के बारे में आप क्या कहेंगे, कि किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि शांत प्रचार से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी बताया ना, कैडर की पार्टी है, हम लोग शांतिपूर्वक काम करते हैं, घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, हमारी पार्टी होल्डर हंगामा करके काम नहीं करती है। और हाँ, मीडिया मीडिया तो हमको कभी दिखाएगी नहीं, क्योंकि जो है अगर मीडिया हमको दिखा देगी तो जो वोट का बिखराव हो रहा है वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। और आज हमारा जो कैडर का वोट है हमारा बहन जी के साथ में है, और अन्य समाज का वोट जो है बहन जी के साथ में है, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, अदर जितने भी समाज हैं लगभग लगभग सारा अभी बहन जी के साथ में है। बहन जी कैडर का और मतलब एक घर घर जाके उन्होंने कहा भी है कि आप लोग घर घर जाके मिलो, लोगों से अपनी बात कहो, और जो है हम लोग जा भी रहे यही कर भी रहे। हम लोग मीडिया पे भरोसा इसलिए नहीं रखते हैं कि हमको दिखाती नहीं है, सारी ज़्यादातर बीजेपी को दिखा रही है, सपा को दिखा रही है, हमको कहीं पे गिनती में नहीं ले रही। और आने वाली 2022 में आप देख लीजिएगा, हम दावे के साथ कहते हैं 2022 में कुमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। अच्छा, पार्टी जब भी कोई एक नेता चुनती है, जैसे विधानसभा 9 विधानसभा हैं, हर पार्टी से पार्टी ने एक अलग अलग नेता चुना हुआ है, तो हर नेता का अपना एक कोई खास एक बात होती है, खास एक तरीका होता है, एक अलग तरीका वो लेके चलता है। तो जनता के बीच जाने का जो है आपका आपका अपना क्या खास रहेगा, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, किस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आपकी क्या कार्यशैली रहेगी?
देखिए हमारी कार्यशैली ये रहेगी कि जो पश्चिम विधानसभा 171 है वो उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी विधानसभा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी की, और आज उस सीट का कभी आप सर्वे करा लीजिएगा, आप देखिएगा तो लगेगा कहीं कहीं बिहार इलाके की सीट है, इतनी जर्जर रोटे, पानी का भराव है, पानी अगर बारिश थोड़ी सी भी अगर एक घंटे बारिश हो जाए दो दिन पानी नहीं निकलता है, और ये बिजली की समस्या आप समझ लीजिए बिल्कुल मेन सिटी जो पुराना शहर कहलाता है लखनऊ उसकी पश्चिम विधानसभा है, और वहाँ पे आप समझ लीजिए कि पानी के पीने का साधन नहीं, लाइट का साधन नहीं, रास्ते बिल्कुल अभी एक जगह आप चले जाइए पूर्वी दिनखेड़ा में 3-4 किलोमीटर घूम के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो इतना वहाँ का हालात ख़राब है। हम उन्हीं मेन मुद्दे 4-5 जो है हम उन्हीं को लेके जा रहे हैं फील्ड में, और हमें अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, पूरा वोटर लगभग हमारे साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, और सबका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हम बहन जी को बनाएंगे और कायम रजा खान को विधायक बनाएंगे। जैसे अभी आपको बता दें कि अभी विधायक नहीं बने हैं, चुनाव और उनके परिणाम जो दोनों हैं वो अभी बाकी हैं, तो उसके बावजूद भी आपके काम अभी लगातार जारी हैं, तो और कौन कौन से काम आपके मुख्य बिंदु पर हैं, जिस तरीके से भी आपने बताया कि आपने अभी वहाँ पर कुछ काम करवाए हैं, और कौन कौन से मुख्य बिंदु आपके रह गए हैं जो आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर करवाएंगे, उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे जनता के बीच में? समस्या का निस्तारण जो ये देखिए 4-5 हमने काम बताए हैं, जो पानी सबसे बड़ी जटिल समस्या जो है पानी निकासी की है, अगर बारिश हो जाती है तो घर से बाहर पानी निकलता ही नहीं, घरों में लोगों घुस जाता है। दूसरी समस्या पानी पीने की है, जो बेचारे समझ गरीब आदमी है उस एरिया पूरा गरीबों का है, और जो जिसने समरसेबुल लगा लिया तो उनके वहाँ से वो 300 रुपये महीने पे पानी खरीद रहे हैं, मतलब उनके पास साधन नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं। तीसरे जो है आप रास्ते देख लिए इतने जर्जर हैं, कभी आप जाके देखिए सर्वे करिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि लखनऊ राजधानी की सीट है और ये हाल है। और चौथी समस्या जो है ये आपके लाइट की, 1-1 किलोमीटर केबल पे मतलब बांसों पे केबल दिया हुआ है और 100-150 कनेक्शन है, लेकिन केबल जो है दिया हुआ है बांसों पे, क्या खंभे नहीं गड़वा सकते थे? आप बता रहे हैं पूरे 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, सर कहाँ लाइट है देखिए जाके, आप सर्वे कर लिए कभी तो समझ में आ जाएगा आपके जी। बाकी आपने अभी जैसे बोला कि पानी के लिए 300-300 रुपया दे के पानी खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा चीज़ बताया है, लाइट की समस्या बताई है, तो उसका 300 रुपये का जो बिल अगर मैं बात करूं उसी पे, तो 300 रुपये का बिल के लिए क्या उसमें कुछ राहत दी जाएगी, क्या ऐसा करा जाएगा कि उनको फ्री सेवा या कुछ हैंडपम्प या समथिंग कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था की जाएगी ताकि उन लोग को ये 300 रुपये से निजात मिल सके? नहीं, वो सबसे पहले तो हम यही समस्या, पानी की टंकियाँ लगवाएंगे और बड़ी टंकियाँ बनवाएंगे जो पानी की सप्लाई हो, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप पैसे वाले हैं, आपने समरसेबल करवा के अपने घर में पानी लगवा लिया, अब वही लोग पब्लिक को 300 रुपये में दे रहे हैं महीने के, 300 रुपये महीना दे रहे हैं, मतलब पानी वो लोग बेचारे पी रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले काम होगा बड़ी टंकी जो लगवाई जाएगी, वाटर सप्लाई पूरे एरिया में दिया जाए, ये समरसेबल जगह जगह देने से कोई मतलब नहीं है, एक बड़ी टंकी अगर लग जाएगी तो उस एरिए को पूरा, जैसे पहले सप्लाई होती थी जैसे गोमती नगर इंदिरा नगर में देखिए बड़ी टंकी लग के सारी सप्लाई हर जगह, तो उस एरिए में जो भी यही काम करना है कि बड़ी टंकी बनवा के और उस एरिए में पाइप लाइन डलवा के पानी की सप्लाई दी जाए जी। बाकी ऐसा होता है कि जब विधानसभा आता है या चुनाव इलेक्शन जब भी आते हैं, ऐसे इलेक्शन आते हैं, तो उस टाइम पे पार्टी बड़ा ज़ोर शोर से ये सब चीज़ों की बात करती हैं, लेकिन बहुत ज़ोर शोर से इन पे मुद्दों पे बात होती है कि हम ये कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये होता है कि चुनाव के बाद इलेक्शन के बाद कोई वहाँ पे पूछता भी नहीं है कि क्या कमी थी क्या नहीं कमी थी, क्योंकि आम जनता की हमेशा ये शिकायत रहती है, और अभी हाल ही में अभी भी खबरों में भी ये चीज़ चलती है कि जब इलेक्शन आते हैं तब जोर पकड़ लेते हैं और रोड भी बनने लगती हैं और ये भी बनने लगती हैं, वादे करके जाते हैं, और जब इलेक्शन बीत जाता है तो उसके बाद नहीं। तो क्या आपने जनता को संतुष्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसा काम किया है कि हम इलेक्शन बाद भी साथ खड़े रहेंगे? देखिए हमने तो पिछले 6-7 मतलब साल भर से लगे हुए क्षेत्र में हैं, और हमने करीब साल भर पहले एक रोड बनवाई थी पूर्वी दिनखेड़ा में,
और कम से कम 50-60 खंभे बिजली के गड़वा के लाइन भी दिलवाई है अपनी मेहनत से, कोशिश करके। करा शासन ही नहीं, लेकिन दो आजमाइश हम ही ने की। उसके बाद आप समझ लीजिए कि एक पुलिया हमने बनवाई 6-7 महीने पहले, जो 5-5-6-6 किलोमीटर लोग जाते थे घूम के बच्चे पढ़ने स्कूल, तो उनके लिए हमने देखा बड़ी दिक्कत होती, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं घूम के, तो उनके लिए हमने पुलिया का निर्माण कराया। बाकी जो समरसेबल जहाँ ज़्यादा दिक्कत पानी की थी वो हमने हल कराई और लाइन खिंचवाई, मतलब ऐसे बहुत से काम किए गए जो जनरल लोग पब्लिक को परेशानी थी वो पब्लिक की हल किया गया जी। बाकी कायम जी, जिस तरीके से हर पार्टी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, हर पार्टी ने अपनी एक विचारधारा तय कर रखी है, एक सुनिश्चित कर रखी है, आपकी पार्टी की बात करते हैं तो आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो अन्य पार्टियों की विचारधारा से किस तरीके से अलग रहेगी? हमारी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बहन जी ने नारा दिया, सारे समाज को लेके बहन जी का चलती हैं। उनका विचारधारा में यह है कि सबको हम लेके चलें, ये ना कि हमको एक को लेके चलना। हमारे सारे लोग, अभी आप देख लिए बहन जी सबको टिकट दे रही, बिल्कुल सा मतलब नपे तुले सारे लोगों को दे रही, ये नहीं कि एक ही बिरादरी को दे रही, सबको बराबर सहयोग दे रही, सहयोग ले रही और सबको सामाजिक एक साथ टिकट ऐसे दे रहे कि कोई ये कह ना पाए कि हमने उनको दिया या उनको दिया, बराबर बहन जी सबका सहयोग मतलब एक साथ सबको लेके चलती। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि कौन इस चुनाव में सत्ता तक पहुंचेगा? सत्ता हमारी 2022 में कुमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है 2022 में, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपके प्राइम टाइम पे आज बोल रहे हैं शख्सियत में, आप देख लीजिएगा, कभी हम आपके मौका मिलेगा फिर बैठेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि देखिए हमारी बात सही निकली नहीं निकली, माननीय मुख्यमंत्री हमारी सुश्री मायावती जी 2022 में बनने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं जी। और आप लखनऊ पश्चिम विधानसभा के दावेदारी कर रहे हैं, तो इस विधानसभा में और कौन कौन सी समस्याएं हैं? अभी कई समस्याओं का निस्तारण आपने किया है, लेकिन फिलहाल कुछ और समस्याएं भी हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं जिस पे आपको काम करना है? देखिए अभी हम निस्तारण तो नहीं कर पाएंगे कि करा है हमने, एक बहुत जो ज़रूरी काम था वो हमने कर दिया, बाकी वहाँ निस्तारण करने के लिए तो हमें 5 साल चाहिए होंगे और हमें उस क्षेत्र में विधायक बनाना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उस एरिया के बहुत 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 समस्याएं हैं वहाँ पे। तो वो देखिए पिछली सरकार रही सपा की, रिहान नईम साहब रहे विधायक, 1,40,00,000 रुपया उनका वापस चला गया और हमें लगता है इन 5 साल में उनके सुरेश श्रीवास्तव जी का भी बेचारे देहांत हो गया, लेकिन लगभग हमें लगता है 3 करोड़ रुपया उनका भी वापस जा रहा है। तो ये लोग कोई विकास किए नहीं, अगर विकास करे होते तो पैसा वापस नहीं जाता। और हम तो अगर हम कहेंगे जनता से अपील करना चाहेंगे हमें विधायक बनाएंगे, तो इतने विभाग सरकार पास होते हैं विकास करने के लिए बहुत काम है। हमने अपने गांव में समझ लिए प्रधानी में अब सीवर वीवर कहीं नहीं पड़ता है, लेकिन हमने अपने गांव में सीवर डला के सारे पाइपलाइन डलवा के सब बाहर करा दिया। बिल्कुल आप कभी सर्वे करिए हमारे गाँव का तो आप देखिएगा RCC सीवर हमने सब डलवा दिया। तो सरकार के पास बहुत से ऐसे विभाग हैं जो गरीब बस्तियों के लिए पैसा दिया जाता है रोज मतलब, लेकिन कोई अपना जब विधायक बन जाता है तो घर छोड़ के जाता नहीं, क्षेत्र देखता नहीं। अगर विकास करे तो ये नौबती ना है कि जो है उस क्षेत्र में दिक्कत रहेगी जी। बाकी आपने जैसे अभी आपने सीवर, पानी, बिजली इन सब पे बात किया है, क्या वहाँ पर सुरक्षा एजुकेशन को लेके भी कुछ आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि सुरक्षा और एजुकेशन को लेके, वहाँ के बच्चों के एजुकेशन को लेके, उस पर भी क्या आपकी नज़र है, उस पर भी आप क्या कुछ काम करने वाले हैं? देखिए हम इस लायक अगर बनते हैं, हमारी सरकार बनेगी, तो 2-3 समस्याएं और हैं जो वहाँ पे, एक स्कूल की बहुत ज़रूरत है इंटर तक, क्योंकि गरीब बस्ती है और सरकारी स्कूल इंटर तक अगर हो जाए तो जो लड़कियाँ बेचारी 8वें 7वें मतलब 5वें तक पढ़ के बैठ जाती घर में, तो एक इंटर कॉलेज की ज़रूरत है जो गरीब बच्चों के लिए वहाँ पढ़ाई। दूसरे रोज़गार की समस्या है, देखिए वहाँ उस एरिया में ज़्यादातर हथकरघा वाले कारीगर हैं, तो वो 200-250 रुपए मिलता, आज परिवार 200-250 रुपए में चलता नहीं है, तो वो ऐसा कोई चीज़ लगाई जाए जो सारे समाज के लोग वहाँ पे रोज़गार पा जाएँ। ये 2-3 समस्या, और जैसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उस एरिया में नहीं, पूरा एरिया आप चले जाइए, अब मेडिकल कॉलेज वगैरह अस्पताल हैं लेकिन वहाँ कोई सुनता नहीं। जब एक सामुदायिक केंद्र हो जाएगा तो वहाँ पे लोग गरीबों की मदद हो जाएगी। तो ये 2-3 और भी काम हैं जो ये पढ़ाई है जैसे अस्पताल है, ये भी बहुत ज़रूरी है, एक रोज़गार
ये भी बहुत जरूरी है उस एरिया में जी। बाकी आपको अगर जनता मौका देती है, विधायक बनाती है, तो कौन कौन से काम अहम मुद्दे पर रहेंगे, किस किस चीज से आप मायावती जी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? अगर जनता हमें अपने विश्वास में लेगी और हमें विधायक बनाएगी, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तो हम सबसे पहले, हमने जो ये समस्याएं बताई हैं, सबसे पहले तो देखिए एक स्कूल होना ज़रूरी है। जो बेचारी लड़कियां या लड़के जो गरीब परिवार से हैं, पढ़ नहीं पाते, आठवें से और पाँचवें से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक पढ़ाई स्कूल की हम कोशिश करेंगे बन जाए। दूसरे एक सामुदायिक केंद्र दो से तीन बन जाए उस एरिया में, तो लोगों को जो छोटी छोटी दवा मतलब बीमारियों की दवाएं हैं वो मिल जाएंगी। और तीसरी एक रोज़गार की भी बहुत समस्या है। देखिए बताया ना कि 100-200-150 रुपए की एक नफरी आती है इधर उधर, तो 8 घंटे 12 घंटे में 200-250 रुपए काम कर पाते हैं। आज के दौर में 200-250 रुपए में कोई घर चला नहीं सकता है, तो बेचारे परेशान रहते हैं। बाकी जो और समस्या हमने बताई हैं, पानी और सीवर, ये सब की, अब सीवर समझ लीजिए 2007 में बहन जी ने डलवाया था उस क्षेत्र में, जब से आज तक कोई काम नहीं हुआ। वो सरकार चली गई, काम वहीं का वहाँ पड़ा हुआ है, तो आज तक सीवर का कोई भी काम नहीं हुआ। तो पानी निकासी ये सब काम बहुत ज़रूरी है, ये करना है। और आप काफ़ी समय से जनता के बीच में हैं, आपको किस तरीके का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है? हमारा देखिए, हम 2 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, और लॉकडाउन में कोई भी आदमी लॉकडाउन में नहीं दिखा। पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में जो बीत गया, उसमें हमने पूरे क्षेत्र में हमसे जो मदद हो सकती थी लोगों की। और हम पूरा विधानसभा क्षेत्र घूमे, जा जा के घरों में जो हमसे हो सकता था हमने लोगों की मदद की। किसी को हमने बताया नहीं, चुपके चुपके किया कि किसी की बेइज्जती ना हो पाए कि हमारे घर में खाने का नहीं है, तो हमने मतलब चुपके चुपके भेजवा दिया, किसी के हाथ अपने हाथ से भी भेजा दिया। तो बहुत हालात ख़राब थे उस एरिए के, भुखमरी कगार पे थे, कई तो बेचारे भूखे मर गए, और सरकार कभी जागी ही नहीं कि जो है क्या हो रहा है जी। बाकी सर, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, और अपनी बात रखने का मीडिया के माध्यम से आप क्षेत्रीय जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहेंगे कि हमको आप जनता हमारे विधायक बनाएं, और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं, तो आप विकास देख लीजिएगा जो है, जो 10 सालों में नहीं हुआ, बहन जी जो है आने के बाद पूरा पूरा उत्तर प्रदेश चकमगा देंगी उसको जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शख्सियत में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी में बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद देते हैं, और हमको बार बार ऐसे ही बुलाते रहे। तो अभी हमने बात की प्रसिद्ध समाज सेवी और वरिष्ठ बसपा नेता कायम रजा खान से, और इनका कहना है कि वो काफी समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए वो राजनेता ही नहीं बल्कि समाज सेवी ही है। वह आगामी चुनाव को लेकर कहा कि सारे कयासों को दरकिनार करते हुए इस बार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि प्रदेश में बसपा को अच्छा शासन कोई नहीं चला सकता। तो इस शख्सियत में फिलहाल बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।